अब हुआ क्या, एक दिन मैं सुबह निकला घर से बाहर, घर से बाहर निकल के खड़ा हूँ, पड़ोस वाले अंकल आए मेरे पास, उसने कहा रोहित। अच्छा रोहित मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार मेरा नाम इसलिए ले रहा हूँ, आपको याद है मेरा नाम, आप मेरे को फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, और आज तो लड़कियाँ भी आई है, हैं समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ, हैं अब मैं बताऊँगा क्यों कमिटेड है वो, सुन रहे हैं, अब लड़कियाँ भी आई है, पिछली बार मेरे साथ भी एक आई थी, अब वो नहीं आई, वो क्यों नहीं आई है वो आपको पता चल जाएगा बाद में। ये ना लड़कियों की भी अलग अलग चोचले होते हैं। अभी मेरा एक दोस्त की नई गर्लफ्रेंड बनी, तो वो लोग गए डेट वगैरह पे और बोलते चलो अपने बारे में कुछ बताओ, लड़की बोली ओके एक मेरा एक्स था, उससे पहले मेरा एक एक्स था, फिर एक और एक्स था, अच्छा उस एक्स के साथ एक्स था, फिर एक और एक्स था जो ट्रिपल एक्स था, ठीक है। अब दोस्त से कुछ वो बोले आप बताओ कुछ, तो मेरा दोस्त बोलता है आप मेरी पहली गर्लफ्रेंड है, बहुत निराश हुआ हूँ, आया मेरे पास यार ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं बोला ऐसा क्यों हो गया ऐसा ऐसा, मैंने बहुत रिसर्च की, बुक वुक उठाई, बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च किया, फिर मेरे को पता चला इंडिया में 100,000 मैन पे 940 गर्ल्स हैं, अच्छा ये कारण है, 1,000 पे 940 गर्ल्स, तो मैंने बोला अब तो लड़कियों को भाव खाना चाहिए, हम कम हैं, हम कम है, आपको खाना चाहिए भाव, जो लड़कियां भाव नहीं खाती ना, मैंने भी उनको बोला खाओ भाव खाओ, कुछ लोग को मैंने खरीद के ला के दिए भाव, मैंने बोला खाओ भाव खाओ। अब मैं आप लड़की लोग को भी बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा भाव खाओ, भयंकर ही भाव खाओ, अगर आपका कोई लड़का दोस्त है कभी शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, हाँ बहुत अच्छा सेटअप किया उसने कुछ भी किया है, यू विल मैरी मी ऐसा अगर बोले, रुको पहले भाव खाओ। भाव खाओ बहुत भाव खाओ, फिर बोले यू वॉन्ट मैरी मी, अच्छा लगे ना आपको, अच्छा लगे था तो भी कुछ नहीं है, लेकिन भाव खाना, यू वॉन्ट मैरी मी, देख भाई इंडिया में 1,000 लड़कों पे 940 लड़कियां हैं, समझ रहा है बात को, फिर काउंटिंग शुरू करो, देखो 900 उधर हो गए, 940 इधर, 941, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 13 नंबर बाद में आएगा, दहेज लेके आ, दहेज बोलता लड़की लोग दहेज लेना शुरू कर दो, अपने गवर्नमेंट का रूल है, मतलब रूल नहीं योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गलत गलत योजना है, ऐसी योजना मैंने लिखा सरकार को, बेटी बचाओ फिर किसी की बेटी पटाओ, हाँ योजना है गलत, चलो ठीक है। अब मैंने गया मॉल, अब मॉल जाते हैं लोग चकपक होके, है ना, अच्छा हाँ एक लड़की से एक और बात बोलना चाहता हूँ कि ना वैसे भी लड़कियाँ कम है, भाव खाओ और है ना कुछ परोपकार भी करना चाहिए, तो लड़कियों को कैसे परोपकार करना चाहिए, तीन चार बॉयफ्रेंड पटाओ ज़्यादा, देख भाई इंडिया में लड़के कम है, मतलब लड़कियां कम है लड़के ज़्यादा है, हमको परोपकार करने दो, और कोई नहीं मान रहा है तो भाग यहाँ से, परोपकार करो लड़कों पे परोपकार करो, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेशियो देख सकते हैं, यहाँ लड़कियाँ इतनी आई बहुत अच्छा लगा मेरे को, पहले तो और भी काम आई थी। अब मैं एक बार मॉल गया, एक तो मैं काला ऊपर से गरीब, काला और गरीब का क्या कॉम्बिनेशन है, नहीं हर जगह मेरे को मतलब ऐसे ही बेइज्जत हो जाना, अभी आए थे भैया चाय लेने के लिए, बोलते चाय ला, मेरे को लगा मेरे को बोल रहे हैं, मैं उठ के जाना था पीछे चाय, मेरा पड़ोस वाले ने रुका जा, हद है, एक बार भगवान आए सपने में, रोहित रोहित, हाँ प्रभु, अरे वाह
जाओ। बच्चा भी एक्ट कर रहा, वाह, बच्चा भी रिस्पॉन्स कर रहा, समझ में आ रहा है उसको भी कि लड़कियां कहां गई। लड़का है लड़की है? लड़की है। बधाई हो आपको, दहेज मिले आप। भगवान है सपने में कहा, रोहित रोहित मेरा अजीब प्रभु। भगवान बोले मैंने देखो बनाया, एक बार चेक कर अच्छे से। नहीं प्रभु आपने ही बनाया। अब हम लोगों को क्या मॉल जाना है, तो मॉल जाते हैं लोग चकपक बन के, चकपक बन के जाते हैं। पहले लोग अच्छा अपना हेयर कट वगैरह अच्छा कराते हैं। जब मैं छोटा था तो 5 रुपये में हेयर कट होते थे। अब 5 रुपये में तुमको, और उस टाइम भी हमारे पास, हम लोग गरीब ही थे, अभी भी गरीब हैं, 5 रुपये में तुमको हेयर कटिंग भी कराना है और अपना स्टाइल भी मेंटेन करना है, फैशन के हिसाब से चलना है। आप लोग ने तेरे नाम मूवी देखी? हाँ, तेरा नाम। तो मैं क्या करता था, 5 रुपये में मेरे को ना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। अब कैसे मैं, अब ऐसा तो ना थोड़ा थोड़ा ट्रिम कटा के आ जाऊँ, ट्रिम व्रीम कराऊँ, ऐसा है नहीं। 5 रुपये में पूरा कटाओ, 0। अब मैं तेरे नाम जैसे बाल बना लेता था, घर वाले ने 5 रुपये दिए, मैं बाल कटाने जाता था, इंटरवल के बाद वाला तेरे नाम पूरा गंजा। फिर थोड़े बड़े हुए, आमिर खान दिल चाहता है, और थोड़े बड़े हुए अजय देवगन। और थोड़े बड़े हुए फिर तेरे नाम, फिर कटाने जाता था। अब तो क्या, आप अपन बड़े हो गए, अब कटिंग का रेट भी बढ़ गया। अब 50 रुपये 60 रुपये की कटिंग होती है। थोड़े पैसे और मिला लूँ तो मैं कैंची आ जाएगी। मैंने कैंची खरीद ली, कैंची खरीद ली, मैं बाल खुद ही काट लेता हूँ। आजकल का फैशन बहुत अच्छा है, कुछ भी काटो, समझ में ना, नालायक समझ ना, फैशन है आजकल का, समझ, अच्छे नहीं काटे मेरे, फैशन है गाँव वाले। अब मैं मॉल गया, एक तो काला गरीब मॉल जाता है, मॉल गया मैं ओला से। अब ओला से मैं उतरा तो एक आदमी आगे पूछा, उनको ड्राइवर समझने लग गया, तो देखो इतनी बेइज्जती, हाँ ड्राइवर इतनी चंबे से, आप पीछे से गाड़ी कैसे चला रहे थे? पैसेंजर हूँ यार, पैसेंजर हूँ, ठीक है। मॉल में आप जाते तो आपको क्रेडिट कार्ड वाले भी मिल जाएंगे। तो वो आया मेरे पास, बोले सर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है। बोला अच्छा क्रेडिट कार्ड, मेरे को लगा सरकार की कोई नई स्कीम लिखी है। अपने को तो 3 चीज़ पता है भाई, आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड, और क्रेडिट कार्ड बनवाया। बोला अच्छा सर बनाओ, ठीक है बना, ये लगेगा। उसको पता था नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, कुछ नहीं हो सकता, चलो ठीक है आगे जाओ। अब मॉल में क्या, मेरे को बहुत सारे लोग वो समझ लेते हैं कि मैं सेल्स मैन हूँ। मैं बोला हद हो गई, और मैं बहुत परेशान हो गया। तो अब वो बोलते तुम कुछ भी चीज़ खेल दो, पूछना है आप सेल्समैन है, सेल्समैन है, ठीक है ऐसा चलो। अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया, अब कोई भी पूछते सेल्समैन है, बोला हाँ हूँ, क्या चाहिए आपको? ये दूध लेना था, दूध ले जाओ, दूध के साथ मिक्सर फ्री। हद करने लगा मैं, दिमाग ख़राब हो गया, दूध ले जाओ, दूध के साथ मिक्सर फ्री। एक जाते जाते मैं टॉय शॉप में चले गया, वहाँ पर एक यंग कपल आए, यंग कपल आए, वो टॉय देखने लग गए। उन्हें भी मेरे को सेल्समैन समझा, ये टॉय कितने का है? ये 100 रुपये का है, ले जाओ। और उसमें बच्चा था, बच्चे को भी मैंने उनकी गोदी में दिया, इसको भी ले जाओ सब फ्री। वो कैश काउंटर पर लड़ रहे हैं। अब कुछ सेल्समैन ये तो चलो ठीक है, मॉल के बाद सेल्समैन अपने घर भी आ जाते हैं। सेल्समैन बड़े चतुर होते हैं, आएंगे सर ये सामान फ्री है आपके लिए। बोला अच्छा लाओ दिखाओ। सर इसके साथ आपको ये टोकन लेना पड़ेगा जो 500 रुपये का है। बोला अच्छा। अब क्या मैं भी सेल्समैन से चतरा हो गया। दूसरी बार आया सेल्समैन, बोला सर ये लीजिए ये फ्री है। जैसे उसने बोला फ्री है, मैंने अंदर रख लिया, दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर दरवाज़ा खटखटा रहा था। ओके थैंक यू।